हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सुरेखा। सुरेखा स्पेशल रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्रीन चिली सॉस। ये बहुत ही कम खर्चे में घर पर बहुत आसानी से बन जाता है। इसे आप समोसे, कचौरी, पकौड़े के साथ खा सकते हैं। इसे ज्यादातर चाइनीज डिश में यूज किया जाता है। तो चलिए बनाते हैं ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिल्ली सॉस बनाने के लिए हमने लिए है मोटी वाली हरी मिर्च जो कम तीखी है, 100 ग्राम ली है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसके छिलके उतार लिए हैं, और जो तीखी वाली छोटी वाली मिर्च है वो भी 100 ग्राम ली है। ये दोनों प्रकार की जो मिर्च ली है उसे हमने अच्छे से पहले धो लिया है और उसका पूरा पानी सुखा लिया है और उसके डंठल भी निकाल लिए है। और हमें क्या चाहिए, तेल, काला नमक, साबुत धनिया, सौंठ पाउडर, जीरा, हींग, सिरका और चीनी। इन सब चीज़ों को हम आवश्यकता के अनुसार लेंगे। सबसे पहले हम मोटी वाली मिर्च को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। छोटी वाली मिर्च को भी हमें मोटे मोटे टुकड़े बनाकर काट लेने हैं। सारे मिर्ची के टुकड़ों को हमने मोटा मोटा काट लिया है। अब हम अदरक भी काट लेंगे। अदरक को भी हमने इस तरीके से पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। 2 चम्मच जीरा डाला है मैंने। अब इसमें हींग डाल देंगे 2-3 पिंच। चार चम्मच साबुत धनिया। अब इसे भी भून लेंगे। अब हम इसमें दोनों प्रकार की मिर्च के टुकड़ों को डाल देंगे और अदरक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। 2 चम्मच मैंने नमक डाला है। 1 चम्मच सॉल्ट पाउडर। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें काला नमक यूज किया है क्योंकि काला नमक से अच्छी टेस्ट आती है। आप इसमें नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हैं या फिर काला नमक भी यूज कर सकते हैं। 1 मिनट तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ढक्कन रखकर हम इसे 5-6 मिनट तक पकने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मिर्च को चेक कर लेंगे। मिर्च अच्छे से पक चुकी है लेकिन हमें इसमें पानी नहीं रहने देना है। अब हम बिना ढक्कन रखे इसको पकने देंगे अच्छे से ताकि पूरा पानी मिर्च में से सूख जाए। अब हम इसमें पहले 2 चम्मच चीनी डालेंगे। और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब तक पानी सूखता है तब तक हम इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए मिर्च को पकाएंगे। मिर्च अच्छे से पक चुकी है और हमने इसमें से पूरा पानी भी सूखने तक इसे पका लिया है। अब गैस बंद कर देंगे और इस मिर्च के मिश्रण को किसी थाली या ट्रे में जल्दी से ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। पकी हुई मिर्च ठंडी हो गई है अच्छे से। अब हम इसमें मिक्सर जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे।
लगभग आधी कटोरी मैंने सिरका लिया है। 2 चम्मच में मिक्सर जार में मिर्च को पीसने के लिए डालूंगी। अब हम मिर्च को बारीक पीस लेंगे और इसमें हम सिरका डालेंगे। हमें सिरका डालकर ही इसे अच्छे से पीस लेना है। ग्रीन चिल्ली सॉस का एकदम स्मूथ पेस्ट हमें करना है। लगभग 1 कटोरी मैंने सिरका यूज किया है और सिरका डालकर इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट इसका बना लिया है। ग्रीन चिल्ली सॉस को हमें थोड़ा थोड़ा सिरका डालते हुए ही मिक्सर जार में पीसना है। इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है। इस तरीके से हमें स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है ग्रीन चिल्ली सॉस का। अब हम इसे किसी कटोरी में सर्व कर लेंगे। तीखा तीखा ग्रीन चिल्ली सॉस तैयार है। चिल्ली सॉस को अच्छे से ठंडा होने दे और ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से साफ सुथरे और सूखे एयर टाइट कंटेनर में भरकर 2-3 महीने तक यूज कर सकते हैं और फ्रिज में रखकर इसे 6 महीने तक यूज किया जा सकता है। इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप इसमें 1/2 छोटी चम्मच एसिटिक एसिड मिला सकते हैं। चाइनीज डिश में ज्यादातर ग्रीन चिल्ली सॉस यूज किया जाता है। आप इसे घर पर जरूर बनाइए क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से और कम खर्च में बन जाता है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ।